हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं यमी यमी सा स्ट्रॉबेरी केक। तो चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं विद फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरी केक के लिए हमने ले लिया है 1 बाउल मैदा, जो कि अराउंड 150 ग्राम्स है। 150 ग्राम शुगर ले ली है, 3 अंडे ले लिए हैं, 200 ग्राम ले लिए फ्रेश स्ट्रॉबेरीज वॉश करके, और 1 बाउल ले लिया है ऑयल का। तो चलिए आइए इसकी प्रिपरेशन के सारी आइटम्स मैंने आपको बता दी है, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। साथ ही ले लिया है 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। हाँ जी, तो सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लिया, उसमें मैं ऐड करूंगी शुगर। मैंने जो है वो पीस के लिए, आप चाहें तो जैसे मर्जी ले सकते हैं। साथ ही में हम ऐड कर देंगे जी इसमें अब एग्स, आराम से तोड़ के डालिएगा, शेल्स ना आए ताकि। और इन दोनों चीजों को कर लेंगे जी अच्छे से हम बीट, ताकि हमारी जो कंसिस्टेंसी है एग्स की और चीनी की बहुत अच्छे से फ्लफी फ्लफी हो जाएगी। आप देख सकते हो जी कितने अच्छे से एग्स और हमारा शुगर जो है वो मिक्स हो गए हैं। इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे जी हम ऑयल, जो मैंने 1 बाउल लिया हुआ था, और इसको भी हम कर लेंगे जी ऐसे ही मिक्स, बाउल को भी जो ऑयल हमने ऐड किया है 1 बॉइल। ऑयल, शुगर और एग्स हमारे अच्छे से बीट हो गए हैं। इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे मैदा, जो हमने 1 बाउल में लिया हुआ था, और इसको कर लेंगे जी अच्छे से बीट। एक ही डायरेक्शन में बीट कीजिएगा हल्के हैंड से। इससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही कीजिएगा बेल आइकन के बटन को प्रेस, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थोड़ा सा मिल्क ऐड करूंगी, जो मैंने मग में लिया हुआ था जी, और हल्के हाथ से चलाते हुए कर लूंगी इसको मिक्स। मैदे को मैंने ऑलरेडी छान के लिया हुआ था बाउल में, तो मैदा यूज करने से पहले याद से उसको छान जरूर लीजिएगा। बैटर को मैं ज्यादा लिक्विड नहीं करूंगी, मीडियम ही रखेंगे हम डो को, ना ज्यादा थिक एंड ना ज्यादा लो, क्योंकि फिर हमें से अभी बेकिंग सोडा भी इसमें ऐड करना है। हमारा मिक्सचर जी हो गया अच्छे से मिक्स। अब इस पॉइंट पे मैं ऐड कर दूंगी इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, जो मैंने लिया हुआ था 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। साथ में ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। ज्यादा ऐड नहीं करूंगी, बिकॉज हम ये स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं, तो हल्का सा फ्लेवर के लिए मैंने इसमें जो है वो कोको पाउडर ऐड किया है। और इसको हम अच्छे से कर लेंगे जी बीट, ताकि बेकिंग सोडा भी, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर जो है वो अच्छे से इसमें बीट होके मिक्स हो जाए। अब इसी के ऊपर एक और लेयर हम बाकी बैटर की पोर करेंगे जी, बहुत अच्छे से और आराम आराम से, क्योंकि हमें केक को फूलने की जगह भी देनी है। ये देखिए जी, हमारा बैटर हो गया इसमें पोर अच्छे से। अब मैंने कुछ और स्ट्रॉबेरीज कट की हुई थी 1/2 पीसेस में, उसको इसके ऊपर कर दूंगी प्लेस। ये देखिए, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ना देखने में, कुक होने के बाद और भी ज्यादा टेम्पटिंग लगेगा। ऐसे ही बाकी की स्ट्रॉबेरीज को भी कर लेती हूँ जी इसके ऊपर मैं डेकोरेट। कुछ को 1/2 पीसेस में कट किया और कुछ को 1:4 की रेशो में मैंने जो है वो कट किया था। यहां मैंने कढ़ाई में जी सॉल्ट डाल के इसको ऑलरेडी प्री हीट कर लिया है, नो ओवन केक बना रहे हैं, क्योंकि हम साथ में रख लिया है स्टैंड। अब इसके ऊपर जो हमारा बैटर था उसको थोड़ा सा करेंगे जी टैप टैप, और इसके ऊपर कर देंगे प्लेस, साथ में दे देंगे लिड। 2 से 3 मिनट को रखेंगे जी इसकी फ्लेम को फुल,
उसके बाद 35 मिनट्स के लिए रखेंगे फ्लेम को लो और कुक होने देंगे। 40 मिनट्स हो गए और हमारा केक जो हो गया है वो बेक। स्ट्रॉबेरी केक देखने में ही कितना वाव और जबरदस्त लग रहा है। अभी मैंने लीड हटाई है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो अब इसकी ड्रेसिंग जो है वो हम कर लेते हैं। जी रेडी, बाउल में से कर लिया इसे डिश आउट। बटर पेपर को हटाते हुए पाउडर शुगर अब इसके ऊपर कर देंगे थोड़ी सी हम स्प्रिंकल, जिससे कि इसका टेस्ट और भी जबरदस्त और बढ़िया आएगा, बहुत ही मजेदार सा। क्योंकि जब इसके ऊपर हम पाउडर शुगर लगा देते हैं तो टेस्ट बहुत ही जबरदस्त लग रहा है जी देखने में। इतनी देर अब हम कर लेते हैं इसका थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी स्क्वैश रेडी इसके ऊपर लगाने के लिए। हाँ जी, तो इसके लिए स्ट्रॉबेरी सॉस बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 बाउल शुगर, जो 5 to 6 टेबल स्पून्स है। यहां कर लिए हैं अराउंड 20 स्ट्रॉबेरीज को छोटे छोटे पीसेस में डाइस। तो अब हम इसकी जो है स्टिरप बना लेते हैं स्ट्रॉबेरी का। ग्राइंडर में ऐड करते हैं सबसे पहले शुगर, उसके बाद स्ट्रॉबेरी और इसको कर लेते हैं जी ग्राइंड। स्ट्रॉबेरी सिरप जैसे कि हमारा हो गया रेडी, ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड कर लिया और पोर कर लिया ऐसे बाउल में। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा एक रेड टेक्सचर आया है स्ट्रॉबेरी कलर का हमारा सिरप का। इसको करेंगे जब हम केक पे अपने प्रेजेंट। तो जी, जो स्ट्रॉबेरी स्क्वैश हमने बनाई थी वो इसके ऊपर कर देते हैं थोड़ी थोड़ी सी हल्के से स्प्रिंकल। टूथपिक्स की हेल्प से पहले ही पॉइंट्स उसमें मैंने किए हुए थे। बहुत ही बेहतरीन और यमी यमी सा टेस्ट आएगा जी। आई होप आप जरूर ट्राई करेंगे और बताएंगे कमेंट्स में कि आपको ये जो केक है वो कैसा लगा। ये जो हमने स्क्वैश बनाई है स्ट्रॉबेरी की, या पेन केक्स या किसी पे भी स्ट्रॉबेरी को खा सकते हैं। प्योरली बनी हुई है बट यूज इसे विद इन 1 वीक।